हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई फाई स्टडी एग्ज़ाम, जिसमें आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021, इसमें जो कि 21 जनवरी जो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। पहला शिफ्ट में 38 क्वेश्चन जीके के, और सेकंड शिफ्ट इसमें 37 यानी 37 क्वेश्चन जीके का है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जो कि ग्लेन बॉल्स 2019 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कैन विल्सन, जो कि मोस्ट रन्स रोहित शर्मा 648 और मोस्ट विकेट्स मिचेल स्टार्क, चैंपियंस इंग्लैंड 2021 में रहा था कि आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप भारत में जो कि था 2016 में आईसीसी T20 वर्ल्ड 20 का तो जो था इंडिया कंपनीज चैंपियंस वेस्ट इंडीज। उसके बाद देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, विश्व बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है, और इसका अध्यक्ष डेविड मालपास, और इसका जो कि MD है वो भारतीय है अंशुला कांत। सदस्य 189 कंट्रीज हैं इसके अंदर IBRD में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC। सदस्य इसमें 173 हैं। इसे देश इस विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर SBI का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पर आंसर है कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो 1955 में इसका नाम SBI नाम रखा गया था। द बैंक ऑफ द कलकत्ता एंड द बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 तक चली थी। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 से 1921 तक जो कि चला था यहाँ, जो बैंक ऑफ मद्रास 1843 से 1921। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर संघ की स्थापना, संघ की राज्य भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिप देवनागरी होगी। यहाँ से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। न्यू अगला पॉइंट है कि 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया था, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के बीच पर इस्तेमाल करने की पाबंदियों को ख़त्म कर दिया था। इसमें एक जो कि हिंदी दिवस है इसी के लिए मनाया जाता है, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस इसमें 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां विश्व की हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। यहाँ से 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में होगी। जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो 2021 में फिजी में होगी। फर्स्ट सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था। पंचायती राज्य की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है, यानी जो पांचवा क्वेश्चन है इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के बारे में और भी जानना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो सेकंड आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के रूप में जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। अगला पॉइंट है, संविधान में 73वां संविधान अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था NTPC का, उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे GK, उसका ये सॉल्यूशन है। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 24 अप्रैल है वो राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है।
छठवां क्वेश्चन है कि हिमालय की सेकंड सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर इसका K2, जो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 km। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। K2 ये ट्रांस हिमालय के काकाकोरम में है, काकाकोरम में है। यहाँ से जो कि फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, यानी इसका जो कि फर्स्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और थर्ड काजीरंगा जो कि 8586 मीटर है। इसके बाद भारत की सेकंड, जो भारत की सेकंड है वो नंदा देवी है। हाईएस्ट पीक लोकेटेड एंट्री इन इंडिया, नंदा देवी जो कि भारत की सेकंड है, वह नंबर आता है 7816 मीटर। द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द इंडिया, तो इसका जो थर्ड नंबर पे आता है कमेथ 7756 मीटर है। इसके बाद फर्स्ट काजीरंगा ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो नेपाल बॉर्डर के पास में, इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर 8586 मीटर है सिक्किम में। यहाँ से फिर अगला पॉइंट है कि माउंट K2, जो K2 गॉडविन ने ऑस्टिन बताया था, इस इज टेलर देन काजीरंगा बट इट इज लोकेटेड इन पैक ऑफ इट कश्मीर POK। ठीक है, जो कि कश्मीर और काजीरंगा के बीच में है। ठीक है, जो कि माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन है। यहाँ से K2 इज द वर्ल्ड्स सेकेंड टेलेस्ट माउंटेन, जो बर्ड की सेकंड है। ठीक है, बर्ड में दूसरे स्थान पर है K2। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो आंसर इसका है पावर सोर्स बंद यानी क्लोज, हटाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है उसके बाद भी ये इसका डेटा सेव रहता है, जिसे बोलते हैं रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट और ड्राइव, इसको कई नाम दिए जाते हैं। लेकिन वोलेटाइल होती है जो कि नॉन वोलेटाइल रोम होती है, लेकिन वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी यानी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश रजिस्टर्स ये होता है। इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? आंसर इन 1858 में। ब्रिटिश क्राउन रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, यानी 1858 में किया गया था। ब्रिटिश राज 1857-1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। इस पर अर्थात क्षेत्र को सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था। अगला क्वेश्चन है, 2018 में लॉन्च कौन सा इसरो का नेविगेशन उपग्रह है? 2018 में जो लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा वो कौन सा है? तो इसमें आंसर है इसका IRNSS-1, इसको बोलते हैं 8 नेविगेशन सैटेलाइट रॉकेट PSLV-XL C41, जो कि 11 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं 2017 में नेविगेशन IRNSS-1H 2017 में किया गया था, और जो कि फर्स्ट किया गया था IRNSS-1A, जो कि इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका फर्स्ट जो नेविगेशन सैटेलाइट थी पहला लॉन्च हुआ था यहाँ पर 1 जुलाई 2013 में। ठीक है, इसका नाम था रॉकेट PSLV-XL C-22 लंच साइट सतीश धवन FLP, यानी इन्होंने इसे लॉन्च किया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो इसके कहा था ऑप्टन में जगहर भावा, ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा था, और साराभाई ने भी कहा था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि एक कंप्यूटर दिवस और प्रदूषण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये दो दिसंबर को दोनों मनाए जाते हैं। भोपाल जो गैस त्रासदी थी, जो 2 और 3 नवंबर की रात वर्ष 1984 में हुई थी, जिसको आपको पता ही होगा, मैथिली इशू लाइक माइक, जो कि गैस के लीक होने की वजह से हुआ था। UNO का प्रथम महासचिव कौन था? UNO
का जो महासचिव पहले कौन था, पहला सचिव, तो पहला सचिव था ट्राइगिवे लाई, जो कि 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक चला था, जो कि नॉर्वे का था। 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गटर्स पॉट गैसेस, इसका 8th माह था। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नाम बैन की मून। इसके बाद साउथ कोरिया से 1 जनवरी 2007 से लेकर 21 दिसंबर 2016 तक चला था। इसके बाद अगला पॉइंट है 7th था सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ द कॉफी एनन, जो कि घाना देश था। 30 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी लिवर बोलते हैं। द पिनियल ग्लैंड इन द ब्रेन इन द स्मॉलेस्ट। 14 नंबर है 2019 में कोपा अमेरिका विजेता, ठीक है, COPA, ब्राज़ील, इसका आंसर है जो ब्राज़ील का था, ब्राज़ील में ही आयोजित हुए थे, जो कोपा अमेरिका बोलते हैं। रनर्स अप उपभेजा पेरू, इसमें जो रनर अप उपभेजा था वो पेरू था। इंटरनेशनल मेंस एसोसिएशन फुटबॉल चैम्पियनशिप, दक्षिण अमेरिका में फुटबॉल संगठन कैनबॉल, ठीक है, कैनबॉल द्वारा आयोजित किया गया था। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेट्रेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ द सीपिंग ऑफ वाटर इन टू ग्राउंड कॉल्ड इन्फ्लेट्रेशन, मतलब पानी जो अंदर जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा हैं, जो कि 8वीं सूची है, 8वीं अनुसूची, यहाँ से आप देखें 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा हैं, तो यहाँ तक आप दे सकते हैं। इसमें जो कि भाषा दी गई है काफ़ी, असम, डोगरी, कनाडा, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बेडो, हिंदी, कोंकणी, मीठी, जो मणिपुर में बोला जाता है, ओडिशा, और सांथाली, और तेलुगु। 14 को जो 14 अनुसूची है, 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था, स्टार्टिंग में। इसके बाद सिंधी में 1967 में 21 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, मेड़ती और नेपाली को 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को, जो एक भाषा है, 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया नाम को 2011 के 96वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा ओडिशा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका जो 17वां क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तो जो फर्स्ट प्लान था वो 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चला था। उसके बाद इसमें 12 प्लान है, यानी 12 योजना है, वो कब से कब तक चली थी ये आप दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जो कि सेकंड प्लान था, उसके बाद थर्ड प्लान, फोर्थ, फिफ्थ, ये प्लान होल्डे जो कि 1966 से 1969 तक चला था। फिफ्थ, उसके रोलिंग प्लान, सिक्स, सेवेंथ, एनुअल प्लान्स, एट, नाइन्थ, टेंथ, फिर 11th और 12th, जो कि अभी चल रहा है 12th प्लान, 2012 से 2017 तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956 के पर विकास हुआ था, विकास के लिए की गई थी। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। सेकंड, औद्योगिक विकास। थर्ड, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। फोर्थ, पहला स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। पांचवा जो था, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, एंड इसके बाद उद्योग और खानों की वरीयता दी गई थी। सिक्स है कि गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। सेवेंथ में क्या था, जो कि प्लान थे, योजनाएं थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना को
स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। आठवां था कि मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नौवां था न्याय और समानता के साथ विकास। 2012 से जो कि 10th था, जो कि 10वीं योजना थी, अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 11 में आया तेज और अधिक समावेशी विकास। 12 में चल रहा है जो अभी पंचवर्षीय योजना, जो कि तेज अधिक समावेशी सतत विकास। अगला क्वेश्चन है, कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे हैं? तो हु वाज द नॉट द आरबीआई गवर्नर। इसमें देख सकते हैं आपको, इसमें लिस्ट दी गई है, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना। काफी दिए गए, 25 दिए गए यहाँ से जो नहीं थे। इसमें जो रहे हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं कि पहला कौन कौन था कि ऑस्मोर स्मिथ, जेम्स ब्रांड, यहाँ से आप देखें जेम्स रॉयट टेरियर, तयल, अस्ट्रीडी, बेंकल, केजी, एचवी, पीसी, लक्ष्मीकांत, बीएन अदारकर, सुरगई, एनसी सेनगुप्ता, केआरपुरी, एम नारासिमम। इसमें वर्तमान अभी चल रहे हैं शक्तिकांत दास जो कि अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, कौन सी यूएन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है? जो कौन सी यूएन यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र, इसमें 6 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो कि इसमें यूएन में मतलब संयुक्त राष्ट्र वाले अमेरिका है जैसे, उसमें 6 लैंग्वेज चलती हैं। पहला चलता है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। 6 लैंग्वेज चलती हैं, जो कि एनटीपीसी में 21 जनवरी को आया हुआ था ये क्वेश्चन, इसे याद कर ले जो कि आपको आगे भी मिल सकता है। जो 20वां क्वेश्चन है कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? एंग्लो मैसूर युद्ध जो तृतीय युद्ध था, वो तृतीय युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था, 2 साल चला था। 1792 श्री रंगपट्टनम की संधि से तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब 1767 से लेकर 1799 के बीच 4 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1769 चला प्रथम, उसके बाद जो अंग्रेजों की हार हुई थी और मद्रास की संधि